इवनिंग दोस्तों, ये शाम का क्लिप है। शाम से मैं ब्लॉग स्टार्ट की हूँ और अभी मैं आ गई हूँ, अपना बाल वगैरह झाड़ करके कहीं जाने के लिए तैयार हो रही हूँ, इसीलिए मैं यहाँ से वीडियो स्टार्ट की हूँ। और अभी जा रही हूँ चूड़ी पहनने के लिए और मैं ये चूड़ी निकाल रही हूँ और इस बॉक्स में देख रही थी, जो चूड़ी पहनना था वो इस बॉक्स में नहीं है तो दूसरा जगह रखा हुआ था, फिर मैं देखी तो दूसरा जगह मिल गया तो वहाँ से निकाल ली हूँ। और ये चूड़ी मेरी भाभी मुझको ला करके दी थी और वो पूछ रही थी कि तुमको ये साइज हो रहा है कि नहीं, तो आज मैं भाभी को बता रही हूँ। बहुत ही अच्छी चूड़ी है, बहुत ही सुंदर लग रही है और आज मैं इसे पहनने जा रही हूँ। और ये देखिए, बहुत ही एक कांच के ऊपर इसका वर्क किया हुआ है और बहुत मुझे बहुत ही प्यारा ये लग रहा है, तो आज मैं फर्स्ट बार इसे पहन रही हूँ। और इसे पहन करके अभी मैं जाऊँगी बाहर में, कुछ काम है, मुझे कुछ सामान वगैरह लाना है, इसलिए तैयार हो रही हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ। जब बाहर से आऊँगी तो फिर मैं आप लोगों से कुछ बातें करूँगी। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और शाम का 3 बज चुका है और अभी मैं तैयार हुई हूँ कहीं जाने के लिए, मुझे कुछ सामान लाना है बाहर में और उसके बाद मैं आकर के आपसे बातें करती हूँ। तो चलिए आगे ब्लॉग में आप लोग एंजॉय करिए। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। और चलिए मैं आप लोगों को ब्लॉग में ले चलती हूँ, आगे आप लोग इंजॉय करिए। मैं गई थी बाहर में और वहाँ से आ करके लग गई अपना घर के जो काम है बर्तन वगैरह धोने में, वही बर्तन वगैरह धोने के बाद और फिर मैं अभी आई हूँ आप लोगों से बातें कर रही हूँ। और थोड़ा सा कुछ सामान लाना था, कुछ ऐसा विशेष नहीं लाना था, इसलिए मैं गई और तुरंत चली आई। और शाम को मैं यहाँ पर आ गई पानी डालने के लिए और अभी पानी चला था तो मैं सोची कि यहाँ पर भी पानी ला करके डाल देती हूँ। और दो दिन पहले तो बारिश हुई थी लेकिन फिर यहाँ पर गर्मी इतना पड़ रहा है कि मतलब सूख गया है, और इसीलिए मैं यहाँ सभी प्लांट में पानी डाल देती हूँ ताकि ये सूखे ना। गर्मी के दिनों में विशेष रूप से पानी डालते रहना चाहिए, नहीं तो सारे प्लांट सूख जाते हैं, तो वही यहाँ पर मैं सभी जगह पानी डाल रही हूँ। आज आप लोग वीडियो फुल वॉच करिएगा, आज मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, मतलब कुछ बातें आप लोगों के साथ करूँगी। तो चलिए आगे ब्लॉग में। और आज मैं बात करने जा रही हूँ कुछ बड़े यूट्यूबर्स लोगों के बारे में जो कि आज ऐसे मुकाम पर है जिनकी वीडियो बहुत ही पॉपुलर है और सभी लोग देखते हैं और उन लोगों के बीच में बहुत ही फेमस हो चुके हैं। लेकिन मेरा कहना है कि अगर आप फेमस हो गए हैं तो पहले कहीं ना कहीं तो आप शुरुआत किए होंगे, शुरुआत में आप भी तो मतलब शुरू से शुरुआत किए हैं तभी तो आज इतना ऊंचा उठे हैं। तो उसी तरह से अगर कोई छोटा यूट्यूबर आज है और अभी शुरुआती दौर में वो चल रहा है और आपसे कोई हेल्प मांग रहा है तो आप उनका हेल्प कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि अगर कोई छोटा यूट्यूबर आपसे कहता है कि प्लीज़ मैम मेरा हेल्प कर दीजिए क्योंकि मेरा वीडियो नहीं चल रहा है, मेरा चैनल ग्रो नहीं कर रहा है, तो आपका फ़र्ज बनता है कि आप उसका हेल्प करें। फ़र्ज इसलिए बनता है क्योंकि जिस दौर से वो छोटा क्रिएटर्स मतलब आज चल रहा है उसी दौर से आप भी गुजर चुके हैं और आज वो जो हार्ड लेवल वर्क कर रहा है वही हार्ड लेवल वर्क से आप भी वो आज ऊंचा हुए हैं, ग्रो किए हैं। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप वो मुकाम मतलब देखे हुए हैं, वो फेस कर चुके हैं जो मतलब आज न्यू यूट्यूबर्स लोग कर रहा था, आप उसकी प्रॉब्लम समझ सकते हैं और उसकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपकी हेल्प से किसी का भला होता है तो इसमें आपका क्या जाता है, आपका मतलब भला ही होगा, तो आप प्लीज़ उसका हेल्प करें। जो लोग आपसे हेल्प मांगते हैं कि मैम मेरा हेल्प कर दें, और सच्चाई यही है कि जब तक वीडियो वायरल नहीं होगी तब तक किसी का हेल्प करने से कोई भी मतलब ऊंचा नहीं होगा, कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए मेहनत तो करना ही है। लेकिन अगर कोई कह रहा है कि हाँ आप मेरा हेल्प करें तो आपका हेल्प करना बनता है, आप हेल्प कर सकते हैं।
मैं इंडियन ब्लॉगर गौरी जी के बारे में बात कर रही हूँ और आयान मोम एंड ब्यूटी के बारे में। आयान मोम एंड ब्यूटी और इंडियन ब्लॉगर गौरी दोनों ने एक ही साथ चैनल स्टार्ट किया है। और आयान मोम एंड ब्यूटी का तो सभी लोग जानते हैं कि वो आज कितना पॉपुलर हो गई है और कितना फेमस है लोगों के बीच में। और इंडियन ब्लॉगर गौरी जी भी फेमस हो गई है, लेकिन उनका थोड़ा धीरे धीरे चैनल ग्रो किया है। तो मतलब उनका ही वीडियो में मैं सुनी हूँ, वो खुद बोल रही थी कि मैं और आयान मोम एंड ब्यूटी दोनों फ्रेंड थे और दोनों साथ में ही चैनल स्टार्ट किए थे, लेकिन जो उनका चैनल ग्रो हो गया और मेरा मतलब ग्रो नहीं हुआ था और मैं डिस्टर्ब मतलब चल रही थी उस समय। मैं उनको इंस्टाग्राम पर मैसेज करती थी और लेकिन आयान मोम मतलब कोई रिप्लाई नहीं दे रही थी, तो शायद वो बड़े यूट्यूबर्स हो गई थी इसलिए वो बिजी हो गई, इसलिए नहीं की होगी। लेकिन वहाँ पे ये बात मैं कहना चाह रही हूँ कि आयान मोम को उनका हेल्प करना चाहिए था। और ऐसे ही छोटे छोटे क्रिएटर्स लोग हैं जो बड़े क्रिएटर्स लोग के पास जाते हैं और हेल्प मांगते हैं, लेकिन उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है, कोई मतलब उसके ऊपर उनका ध्यान नहीं होता है। तो मेरा यही कहना है कि आज आप ऊँचा उठे हैं और उस मतलब प्रॉब्लम को फेस किए हैं, तो प्लीज़ आप उनका हेल्प कर सकते हैं। तो मैं यही कहने के लिए बैठी हूँ कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स लोग हैं वो आज तो फेमस हो गए हैं और जो अभी न्यू अभी स्टार्ट किए हैं उनको ग्रो करने में टाइम लग रहा है। और अगर आप लोगों से कोई हेल्प मांगता है तो आप हेल्प कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपने दुनिया में मस्त हैं और आपका चल गया तो बस आप उसी में खुश हैं। अरे समाज में रहते हैं तो समाज के लोगों को भी ले करके चलना होता है। और जो ऊँचा उठते हैं वो रात का डिनर में मैं बना रही हूँ टमाटर की सब्जी, इसलिए टमाटर कट करके रखी हूँ और यहाँ प्याज भी कट करके रखी हूँ और इसमें हरा मिर्चा और अदरक लहसुन सारा कुछ अभी डलाएगा और ये थोड़ा सा चीनी है और ये जीरा सभी इसमें जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर रखी हूँ। और यहाँ देखिए कढ़ाई गर्म हो चुका है और सरसों का तेल मैं इसमें डाल दी हूँ और इसमें जीरा डाल दे रही हूँ। और जीरा जब लाल हो जाएगा तो इसमें मैं प्याज छोड़ दूँगी और थोड़ा सा हरा मिर्च है ये सब डाल दूँगी। और ये देखिए इस तरह से डाल करके प्याज को भूज लेना है और ये जब लाल हो जाएगा तो इसमें मसाले भूज लेना है। और ये टमाटर की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है, पराठे के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है और मेरे बच्चे लोग को भी पसंद आता है, इसलिए मैं अभी बना रही हूँ। और इसमें देखिए हल्दी डाली हूँ और ये धनिया पाउडर और गोलकी जीरा पाउडर, ज़्यादा मसाला इसमें नहीं डालना है, हल्का मसाला ही डालना है। और ये देखिए ये लाल मिर्च और इस तरह से स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डाल देना है। और ये है मीट मसाला और पैकेट में जो आता है वो है, उसे डालने से और भी अच्छा टेस्ट आता है इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ। और ये है नमक स्वाद अनुसार और थोड़ा सा पानी डाल करके इसे अच्छी तरह से भूज लेना है और पूरा अच्छा से धीमा आंच पर भूजना है ताकि मसाले भूज जाए। और उसके बाद जब मसाले भूज गए तब मैं इसमें अदरक कूट करके डाली हूँ और थोड़ा सा लहसुन कूट करके डाल दी और इसे और अच्छी तरह से भूज लूँगी। और उसके बाद जो टमाटर कट करके रखा हुआ है वो मैं इसमें डालने जा रही हूँ। और ये देखिए टमाटर मैं इसमें डाल रही हूँ और टमाटर को भी अच्छी तरह से इसमें भूज लूँगी और ये बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है। और अगर आपके पास कोई और सब्ज़ी नहीं है तो ये बना सकते हैं, झटपट से तैयार हो जाता है इसलिए मैं इसे बना रही हूँ। और ये देखिए इस तरह से भूजते हुए ये गल गया है, थोड़ा देर गलने के बाद इसमें थोड़ा सा चीनी ऐड करना है और चीनी डालने से इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है, थोड़ा सा मीठापन लगता है सब्जी का तो इसका टेस्ट अच्छा लगता है। और अभी मैं मतलब ये तैयार हो गया है थोड़ा देर भूज करके और यहीं पर वीडियो का एंड करती हूँ।